Now the next topic is to discuss is the oncogenic markers or tumor markers. So basically what are the tumor markers? The tumor markers are defined as biochemical substance that is the hormone, enzyme, protein synthesized and released by the cancer cell or produced by the host in response to cancerous substance and are used to monitor or identify the presence of cancerous growth. तो ये दो टाइप के मार्कर्स हो सकते हैं पहला वो जो ट्यूमर सेल्स से, से रिलीज़ होते हों और दूसरा वो सेल्स जो ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए अपने कुछ ना कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम्स या हारमोन रिलीज करते हों और मार्कर बेसिकली वो हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें एंड मॉनिटर कर सकें तो मॉनिटर कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें तो ट्यूमर मार्कर्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में मिल सकते हैं बॉडी केविटी की फ्लूइड्स में मिल सकते हैं जैसे पेरिटोनियल फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड एसाइटिस वगैरह है ओके या फिर सी एस एफ है सेरिप्रस्पैनल फ्लूइड तो अलग अलग फ्लूइड में मिल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकते हैं तो ये सोचिए आप कि सेल के अंदर वाले और बाहर दो अलग अलग टाइप के टाइप्स हो गए अब इन ट्यूमर मार्कस का जो डिफ्रेंसीशन है कि ये डिफरेंट होते हैं और ये नॉर्मल सेल्स में नहीं मिलते एबनॉर्मल सेल्स में ही मिलते हैं और इनका डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं तो ऐसे मार्कर जो कि सेल के मेम्ब्रेन पर हों या फिर सेल के अंदर हों साइट में हों लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में नहीं हों मतलब सेल के अंदर की बात कर रहे हैं अभी हम तो इनके एग्जांपल्स हैं इनको डिटेक्शन करने के लिए हम इम्यूनो फ्लोरोसेंस का यूज़ करेंगे इम्यूनोपरॉक्सीडेस का यूज़ करेंगे या फिर मोनोक्लोन एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे इसके बाद में ऐसे मार्कर्स जो कि सेल के बाहर हों यानी कि वो ब्लड सर्कुलेशन में हों तो एग्ज़ाम्पल हैं इनको हम डिटेक्ट करेंगे या तो रेडियल इम्यूनो टेक्निक से या एलाइजा से और या फिर इम्यूनोकेमिकल रिएक्शंस से आखिर इन ट्यूमर मार्कर का सिग्निफिकेंस क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें ट्यूमर मार्कर वो होता है जिसमें ये छह कैरेक्टर होते हैं छह कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं पहला वो जिसमें फॉर स्क्रीनिंग स्पेशली इन ए सिम्टोमेटिक पॉपुलेशन स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें सिम्टम्स नहीं है ऐसी पॉपुलेशन को हमको अगर चेक करना है कि उसमें कैंसर है या नहीं तब हम स्क्रीनिंग करते हैं देन डायग्नोसिस हम किस में करते हैं डायग्नोसिस हम उसमें करते हैं जो असिम्टोमेटिक हो और पेशेंट हो मतलब यहाँ एक सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है स्क्रीनिंग में मल्टीपल इंडिविजुअल्स या फिर एक पॉपुलेशन लिया जाता है तो वो डायग्नोसिस हम कर सकते हैं तीसरा उसमें होना चाहिए कि अ प्रोग्नोस्टिक प्रिडिक्टर प्रिडिक्टर यानी कि ये हमें मार्कर से पता चल जाए या उसके कंसनट्रेशन से पता चल जाए कि आखिर पेशेंट की कंडीशन इन फ्यूचर कैसी रहेगी या अभी कैसी है क्या वो बेटर कंडीशन में है क्या वो पुअर कंडीशन में है है ना इसके बाद एन एज एन एडजंक्ट इन द क्लिनिकल स्टेगिंग ऑफ द कैंसरस कंडीशन ये पता कर सकें कि आखिर किस स्टेज में वो कैंसर है क्या वो मेटास्टेटिक कैंसर है क्या पूरी बॉडी में फैल गया है क्या वो लास्ट स्टेज कैंसर है क्या वो अभी स्टार्टिंग ही है या अभी वो हुआ ही नहीं है और होने वाला है तो हमें स्टेज पता करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट तो अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो एनी जो एनिमल है या पेशेंट है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम मार्कर का यूज़ करते हैं एंड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड रिलेप्स रियकरिंग ऑफ द कैंसरस प्रोसेस हम अर्ली डिटेक्शन करने के लिए भी मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं तो मार्कर में ये क्वालिटीज होना चाहिए नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ द ट्यूमर एंटीजेंस तो ट्यूमर एंटीजेंस जो हैं या फिर हम ये कहें कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर मार्कर्स तो ये दो टाइप के हो सकते हैं पहला होते हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन दूसरा होते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन तो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस वो एंटीजेंस होते हैं जो कि पर्टिकुलरली ट्यूमर के डायरेक्ट ऑंकोजेनेसिस के प्रोडक्ट होते हैं है ना या मतलब ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन मतलब वो होते हैं जो ऑंकोजेनेसिस होने पर सीधे प्रोडक्ट होते हैं जैसे मान लीजिए वायरल ऑंकोजेनेसिस है या रेडिएशन है या केमिकल कार्सिनोजन है या फिर किसी भी टाइप का कोई अननोन फैक्टर है तो उस कंडीशन में आ, ये जो भी प्रोड्यूस होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑंकोजेनेसिस होगा तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन कहेंगे या फिर ये कहें कि दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कैंसर सेल और इनको हम कहते हैं न्यू एंटीजेंस या फिर ये कहें कि कैंसर सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जब उसमें अल्ट्रेशन हो जाता है और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तब कैंसर सेल के जो प्रोडक्ट हैं जो न्यू एंटीजनस हैं वो ये होते हैं और इसका क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सेकेंड हम बात करते हैं जो सेकेंड टाइप है वो है ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस जनरली हम इनको ओंको फीटल प्रोटीन्स या फिर ओंको फीटल एंटीजेंस कहते हैं इसका नाम से ही समझ में आता है ओंको यानी कि जो कार्सिनोजेनिक है या फिर जो आ, कैंसरस है और फीटल यानी कि जो फीटल लाइफ में है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये कुछ इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो फीटल लाइफ में होते हैं मतलब जब वो एम्ब्रियो या फीटस ग्रो करता है तब उस टाइम ये एंटीजेंस होते हैं और जैसे जैसे जो फीटस है वो मैच्योर होता जाता है और आ, मतलब दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी इन द फिटल लाइफ एंड रिलीज इन द फिटल सर्कुलेशन लेकिन आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये एंटीजन डिसअपेयर होने लग जाते हैं मतलब ये देखा जाए तो एक फिजोलॉजिकल मैकेनिज़्म है कि ये एंटीजन नॉर्मली बॉडी में होते हैं पर कब होते हैं जब फिटल लाइफ होती है फिटल लाइफ में ये एंटीजनस धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बाहर आता है या फिटस मैचर होता है प्रेगनेंसी डिसअपेयर हो जाती है तब आफ्टर बर्थ ये एंटीजन डिसअपेयर हो जाते हैं और बहुत ही ट्रेस अमाउंट इन द हेल्दी ह्यूमंस में बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में होते हैं लेकिन जब भी कभी किसी भी टाइप का कैंसर होता है या मेलेगनेंसी होती है तो ये जो ट्रेस अमाउंट के हमारे ऑन्कोफिटल प्रोटीन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं और आ, कन्वर्ट नहीं ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शो uh, ऑफ होने लगते हैं बहुत इनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है दे री अपेयर दे री अपेयर इन द कैंसर सेल एंड इन द ब्लड सर्कुलेशन इसको हम कहते हैं रेट्रोजेनिक एक्सप्रेशन थ्योरी तो इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं इसके एग्ज़ाम्पल ये दो हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये हैं पहला कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन और दूसरा अल्फ़ा फिटोप्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद होना चाहिए तो सी ई ए का भी इम्पोर्टेंस आगे भी बहुत ज़्यादा है जहाँ हम आगे पढ़ेंगे इसको और अल्फ़ा फ़िटो प्रोटीन तो अल्फ़ा फिटो प्रोटीन जो भी है मैंने इसको भी पहले डिस्कस किया हुआ है मेरे ही इन वीडियोज़ में तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं अब एक आइडियल ट्यूमर मार्कर में क्या क्या होना चाहिए तो आइडियल ट्यूमर मार्कर में सबसे पहले जो एनालिसिस करेंगे हम तो एनालिटिक क्राइटेरिया को अचीव करने वाला होना चाहिए एनालिटिक क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं पहला सेंसिटिविटी दूसरा स्पेसिफिसिटी तीसरा एक्यूरेसी चौथा प्रिसीज़न फिर काफ़ी सिंपल मेथड से इजीली डिटेक्ट होने वाला और वेरी चीप होना चाहिए मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए तो ये एनालिटिकल क्राइटेरिया है इसके बाद क्लिनिकल क्राइटेरिया भी है इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया मतलब डिस के लिए सेंसिटिव होना चाहिए और कोई फ़ॉल्स नेगेटिव रिजल्ट नहीं देना चाहिए ओके इसके बाद डिसीज़ के अगेंस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए पेशेंट स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं हो कि एक पेशेंट में पॉजिटिव दे रहा है दूसरे पेशेंट में नेगेटिव दे रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में वो मिले या नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन में भी मिले तो ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब ये तभी दिखना चाहिए जब वो ड्यूरिंग द ट्यूमर प्रोडक्शन जनरेट हुआ हो तभी दिखना चाहिए नहीं तो नहीं दिखना चाहिए नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर मार्कर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के ट्यूमर मार्कर्स होते हैं तो जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला क्लास होता है ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन यानी कि ऑंकोफिटल एंटीजन ऑंकोफिटल एंटीजन जिसे मैंने आपको पहला बताया था दो होते हैं ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन अल्फा अल्फ़ाफिटोप्रोटीन तो ये एक ग्रुप है दूसरा जो ग्रुप है उसमें आते हैं टिश्यू पॉलीपेप्टाइड एंटीजन पेंक्रिएटिक ऑंकोफिटल एंटीजन कॉलान स्पेसिफिक एंटीजन बीटा ऑंकोफिटल एंटीजन और टेनेसी एंटीजन तो ये हमें याद होना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसी में जो कि कार्बोहाइड्रेट टाइप के होते हैं ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट तो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजेंस वाले में जो हमने बात करी है उसमें ऑन्को फिटल एंटीजेंस आते हैं तो ये वो हैं जो फीटल लाइफ में होते हैं पर फिजोलॉजिकली डिसेयर हो जाते हैं पर अगर मान लीजिए कैंसर हो गया तो वापस से रीअपेयर हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस वो होते हैं जिस जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं ऐसे एंटीजेंस जिनको हम मोनोकुलर एंटीबॉडी से डिटेक्ट कर सकें या फिर ऐसे एंटीजेंस जो कि ऑर्गन और ट्यूमर स्पेसिफ़िक हों तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं वो है आप बिल्कुल सी ए सी यानी कार्बोहाइड्रेट यानी एंटीजन सी ए वन ट्वेंटी फाइव सी ए फिफ्टीन थ्री सी ए नाइनटीन नाइन सी ए सेवेंटी टू फोर सी ए फिफ्टी ठीक है और इसके अलावा भी अदर्स जो हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट मोइटी वाले एंटीजन्स होते हैं जैसे मेमोरी सीरम एंटीजन फिर मेमोरी एम एम सिक्स फिर है म्यूसिन लाइक कार्सिनोमा एसोसिएटेड एंटीजन यानी एम ओके okay, तो ये हो गया दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है ऐसे एंटीजन जो प्रेगनेंसी में एसोसिएटेड होते हैं तो ये भी कार्सिनोमा या फिर कोई ट्यूमर होता है या कैंसर होता है तो उससे एसोसिएटेड होते हैं तो पर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज़ होते हैं ऐसे बाद में भी अलग से रिलीज होते हैं अगर मान लीजिए ट्यूमर होता है तो तो जैसे बीटा एस है ये एक हारमोन है इसके बाद प्लासेंटल लाइक एल्कलाइन फॉस्फेट इसको हम रेगन आइसोएंजाइम कहते हैं यानी कि प्लेप पी एल ए पी प्लेप कहते हैं कुछ अदर एंटीजेंस होते हैं ये भी याद होना चाहिए प्रेगनेंसी स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन एस पी वन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन दैट इज एच पी एल अल्फ़ा टू प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लोबलिन यानी पैग अदर प्लासेंटल प्रोटीन्स सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन यानी एस एच बी जी बाइंडिंग बीटा ग्लोबुलिन यानी कि एस बी बीटा जी तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया चौथे चौथा ऐसे ट्यूमर्स ऐसे मार्कर्स होते हैं जो कि हार्मोन होते हैं तो जैसे एग्जाम्पल है पैराथारमोन्स कैल्सिटोनिन, ग्रोथ हारमोनस एसी टी एच फिर अदर हारमोन जैसे इंसुलिन ग्लूकेगॉन केटाकोलॉमीस सीरोटोनस तो इनका कंसनट्रेशन भी कही कहीं ना कहीं कैंसर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये भी डायग्नोस्टिक वैल्यू के होते हैं फिर इसके बाद ऐसे मार्कर होते हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं और इनको हम एज ए ट्यूमर मार्कर यूज़ करते हैं जैसे कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट पैप है ना एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये प्रोस्टेट कैंसर में हम यूज़ करते हैं फिर आता है न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेस इसको एन कहते हैं फिर एल डी एच आइसो एनजाइम्स सी के आई यानी कि क्रिएटिन काइनेज, एल डी एच यानी आपका लेक्टेट डिहाइड्रोजनेज, फिर ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड आइसो है ना फिर आइसो एनजेम्स डिराइव फ्राम ऑर्गन टिश्यू विथ मेटास्टेटिक का तो जैसे मान लीजिए बोन्स से, से निकला तो बोन से निकलने वाले एंजाइम्स ए एल पी हैं ये भी पता है एल्कलाइन फॉस्पिटिस आप इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि एंजाइमोलॉजी का एक मैंने वीडियो बनाया है उसको अगर आप देखते हैं तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपको ये जो ट्यूमर मार्कर्स इसको पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी तो मेरा एक वीडियो है एंजाइमोलॉजी पर आप उसको देख सकते हैं फ्रॉम लीवर अगर निकलते हैं तो लीवर आइस एनजाम्स ए एल पी फ्रॉम लीवर सेल्स गामा ग्लूटेमाइड ट्रांसफरेज जी भी निकलता है फाइव न्यूक्लोटाइडेस ये लीवर से निकलने वाले ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ट्यूमर मार्कर में काम आते हैं प्रोस्टेट के लिए हम एसिड फॉस्फिटेज का यूज़ करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद मिससेलियस ट्यूमर मार्कर जैसे सीएलिक एसिड कंसनट्रेशन इन द सीरम देन पॉलीअमीन्स देन मोनोक्लोनल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस्टेराइड रिसिप्टार होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन रिसिप्टार है प्रोस्ट्रॉन रिसिप्टार है कुछ सेलुलर मार्कर्स होते हैं जैसे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के मार्कर हैं इसके बाद में एक अल्फ़ा एंटी यानी अल्फ़ा वन ए टी तो अल्फ़ा वन एंटी भी इम्पोर्टेंट है तो ये इस टाइप से कुछ मार्कर्स होते हैं जो कि हार्मोनल मार्कर्स हैं नाउ आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन द डिफरेंट कॉमनली यूज्ड ट्यूमर मार्कर्स तो कॉमनली यूज जो हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ऐसे ट्यूमर मार्कर्स में सबसे पहला है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जैसा नाम से ही समझ में आता है कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस में मिलता ही मिलता है तो फिजोलॉजिकली मिलता ही है ये और जैसे ही फीटस ग्रो करता है और मैच्योर हो जाता है तो ये डिसअपेयर हो जाता है और जब कभी लाइफ uh, में इन फ्यूचर कैंसर होता है तब इस कंडीशन में ही ये रीअपेयर होता है और इसका कंसनट्रेशन बढ़ता है तो इसको गोल्ड एंड फ्रीडम मैन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था और इसमें इट वाज डिस्कवर्ड इन 1965 बाय फाइव बाई रेजिंग एंटी सीरमेंडिक कोलन कैंसर तो ये एम्ब्रनिक टिश्यूज़ में भी मिलता है और कार्सिनोमा सेल्स में भी मिलता है ठीक है इसका कंसंट्रेशन uh, कब बढ़ता है जब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल होती हैं है ना या फिर uh, इसके अलावा जो फ़ीटल जीआई ट्रैक्ट होता है यहाँ फिजोलॉजिकली नॉर्मली मिलता है तो फिजोलॉजिकली बात करें तो ये uh, जो uh, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है ये फीटस में कहाँ कहाँ मिलता है फ़ीटस के जीआई म्यूकोजा में मिलता है लंग्स में मिलता है पेंक्रियाज में मिलता है और इसके अलावा ये कब तक मिलता है ये अर्ली थ्री मंथ्स ऑफ गेस्टेशन तक मिलता है ठीक है ये एम्ब्रोनिक लीवर में भी मिलता है पेंक्रियाज लंग्स में तो मिलता ही है इसके अलावा ये फ्रेश ब्रश बॉर्डर ऑफ नॉर्मल म्यूकोजल सेल्स में मिलता है जो कि जीआई म्यूकोजा है ना उसमें मिलता है ये तो इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है ये अनॉन है लेकिन ये है कि ये धीरे धीरे थ्री टू फोर वीक्स आफ्टर रिमूवल ऑफ आफ सी ई प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स तो इसका यह मतलब ये है कि जो फीटस होता है वो थ्री टू फोर वीक्स के बाद में डिसपेयर होने लग जाता है फीटस में आ, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है ये थ्री टू फोर वीक्स के बाद में डिसपेयर होने लग जाता है और इसका ब्रेकडाउन भी जो होता है वो लीवर में ही होता है है ना फीटस के केस में बता रहा हूँ और ये सब फिजोलॉजिकल बता रहा हूँ और पैथोलॉजिकली जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है ये एज ए ट्यूमर जब डेवलप होता है तो आ, मतलब जब भी कैंसर डेवलप होता है तो कैंसर की कंडीशन में किस किस कैंसर में मिलता है पहला जैसे मान लीजिए कोलोरेक्टल कैंसर है इसमें मिलता है ब्रेस्ट कैंसर में मिलता है इसके बाद में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की कंडीशन में मिलता है ये मतलब लंग्स का कैंसर होता है इसमें मिलता है और इसके अलावा अदर मेलिग्नेंसीज़ जैसे कि पेंक्रिएटिक कार्सिनोमा की कंडीशन में मिलता है ठीक है इसके अलावा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की कंडीशन में मिलता है कैंसर ऑफ़ यूरिनरी ब्लडर में मिलता है प्रोस्टेटिक कैंसर में मिलता है इसके बाद न्यूरोब्लास्टोमा में मिलता है ओवेरियन कैंसर में मिलता है कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड में मिलता है तो ये ओवरऑल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें याद रखना चाहिए तो मोस्टली जो सी ई कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है ये कोलोरेक्टल ट्यूमर के केस में ही या कोलोरेक्टल कैंसर में ही सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक वैल्यू रखता है और इसी में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं बाकी मैंने आपको अलग अलग जो कार्सिनोमा बताया या कैंसर बताया उसमें भी डिटेक्शन में यूज़ होता है तो सी ई एस कंसिडर्ड अ बेस्ट अवेलेबल नॉन इन्वेजिव ट्यूमर तो ये नॉन इन्वेजिव ट्यूमर मार्कर है है ना ये क्या है नॉन इन्वेजिव ट्यूमर मार्कर है फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग ऑफ सर्जिकली ट्रीटेड पेशेंट विथ कोलोरेक्टल कैंसर अगर कोलोरेक्टल कैंसर पोस्ट ऑपरेटिवली रिमूव ही कर दिया जाए तो भी इसके बाद इजीली uh, डिटेक्शन हम सी ई ए से कर सकते हैं कि अभी भी उसको कॉलन कैंसर है या खत्म हो गया पेशेंट को दूसरा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ट्यूमर मार्कर है बीटा एस सी जी एस सी जी इज ए प्लासेंटल हारमोन इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय और ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ऑफ द प्लासेंटल विलाई तो यहाँ से ये यह रिलीज होता है केमिस्ट्री क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन है ये डाइमर होता है इसमें अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट्स होती हैं और इसमें जो अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट जो मैंने आपको बताई तो जो बीटा सब यूनिट है तो इसलिए हम बीटा एस का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बीटा सब यूनिट जो होती है दिस इज़ ए आइडियल ट्यूमर मार्कर फॉर डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग गेस्टेशनल यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स के केस में एंड जर्म सेल ट्यूमर के केस में जर्म सेल ट्यूमर क्या क्या हो सकते हैं जैसे टेस्टिस के ट्यूमर या फिर ओवरी के ट्यूमर तो इसके लिए हम बीटा एस का डिटेक्शन करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर तो फॉर एग्जाम्पल बीटा एस का लेवल किस किस कंडीशन में बड़ा हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ सेमिनोमास 15% केसेस सेमिनोमास में बीटा एस बड़ा होता है एम्ब्रियनल कार्सिनोमास में फिफ्टी परसेंट के केसेस में जो है बीटा एसी बड़ा होता है देन टेरेटो देन कोरियो कार्सिनोमास तो कोरियो कार्सिनोमास में सबसे ज़्यादा uh, यानी कि हंड्रेड परसेंट केसेस में बीटा एस सी बढ़ा हुआ मिलता है और इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोरियो कार्सिनोमा है या नहीं तो uh, बीटा एस सी जी इज़ ऑल्सो डिटेक्टेड इन सी एस एफ एंड इट रिपोर्टेड इट इज़ रिपोर्टेड दैट there is a brain metastasis तो so, ब्रेन में भी जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं उसके डिटेक्शन में भी यूज़ होता है और ये बीटा एस सी जी जो सी एस एफ है इसमें भी मिलता है और इसके बाद इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में बीटा एस सी जी का रोल है जी आई कैंसर में बीटासी जी का रोल है ओवेरियन कैंसर में रोल है हाइपर नेफ्रोमा में इसका रोल है कंक्लूजन ये है कि इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशंस सीरम बीटा सी लेवल इज़ एन आइडियल एंड सुपर ट्यूमर मार्कर इन पेशेंट विथ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स तो बाकी हमने और भी आपको जो ट्यूमर्स बताए इसमें बीटा बीटासीजी का रोल बहुत ज़्यादा है और इट एक्ट्स एज ए ट्यूमर मार्कर नाउ नेक्स्ट ट्यूमर मार्कर इज़ द अल्फ़ा फेटो प्रोटीन तो जो अल्फ़ा फ़ैटो प्रोटीन्स हैं ये एक अलग टाइप से एक और जो हमने दूस, पहला तो ये पढ़ा था जो सी ई कि जो दो टाइप के हमने फैटो प्रोटीन्स पढ़े थे एक पढ़ा था हमने कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन और अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक फेटो प्रोटीन है इसका नाम है यह भी एक ऑंको फिटल प्रोटीन है इसका नाम है फेटो प्रोटीन ये कहाँ बनता है ये फीटस के लीवर में बनता है यॉक्सिक में बनता है और जी आई में बनता है और ये एक नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सीरम प्रोटीन है इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन फीटस और एट बर्थ इसका जो कंसनट्रेशन होता है वो जस्ट मतलब पहले सौ गुना रहता है तो मान लीजिए कि फिर ये एक गुना रह जाता है और ये हाईएस्ट रहता है इसका कंसंट्रेशन इन द फिटल लाइफ और बाद में ये डाउन होता चला जाता है एडल्ट में लगभग नेग्लिजिबल होता है और लेस देन ट्वेंटी नैनोग्राम पर एम होता है तो जो अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स हैं दे आर द आइडियल मार्कर फॉर हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमास। इसके अलावा दे आर द आइडियल एंड बेस्ट मार्कर इन जर्म सेल ट्यूमर्स जैसे टेस्टिस और ओवेरी के ट्यूमर्स तो जो अल्फा फेटोप्रोटीन्स हैं और जो बीटा एस हैं दे आर द बेस्ट अवेलेबल ट्यूमर्स मार्कर ट्यूमर मार्कर्स फॉर द जर्म सेल टाइप ऑफ ट्यूमर्स ए पी का लेवल uh, जो नॉन सेमिनिफेरस ट्यूमर्स हैं जैसे कि कोरियोकालसिनोमा एम्ब्रियनल कॉल्सिनमा यॉक्सिक ट्यूमर टेराटोमा और टेरेटोकालसिनोमा इसमें एलिवेट यानी कि इसमें बढ़ता है तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो दो तीन टाइप के ऐसे मार्कर हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जैसे हमने बताया अल्फा फेटो प्रोटीन उसके बाद बीटा एस बताया उसके बाद मैंने जो है सी ई ए बताया उसके बाद एक एल डी एच होता है ये भी ऐसे एंजाइम जो है क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस का है तो ये कुछ एंजाइम्स ही हैं जो मतलब जो कि क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है ये हार्मोन है कुछ अब कुछ ऐसे मार्कर हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टिशू पॉलीपेप्टाइड एंटीजन है तो टिशू पॉलीपेप्टाइड एंटीजन किसके डिटेक्शन में यूज़ करते हैं कॉलोनिक कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर में प्रोस्टेटिक कैंसर में मेटास्टेटिक कैंसर में इसके बाद एक दूसरा मार्कर होता है उसका नाम है टेनिस एंटीजन इसको हम टैजन uh, भी कहते हैं तो इसका यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पेंक्रिएटिक कैंसर एंड लंग कैंसर एंड स्टमक कैंसर इसके बाद ही कुछ कार्बोहाइड्रेट के एंटीजनस हैं जिसको हम सी CA यानी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन कहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट एंटीजन वन ट्वेंटी फाइव कार्बोहाइड्रेट एंटीजन फिफ्टीन थ्री सी ए नाइन्टीन नाइन सी ए सेवेंटी टू फोर सी ए फिफ्टी तो ये जो एंटीजेंस होते हैं इनका जो यूज़ है सी ए वन ट्वेंटी फाइव का यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा ब्रेस्ट कार्सिनोमा आसिनमा सी ए फिफ्टीन थ्री का यूज़ होता है फ़ॉर द ब्रेस्ट कैंसर सी ए नाइन्टीन नाइन का यूज़ होता है फ़ॉर द पेंक्रेटिक कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर हिपेटोमा एंड गेस्ट्रिक कैंसर लीवर डिसीजेज सी ए सेवेंटी टू फोर का यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द मेमोरी मेमोरी एंटीजेंस तो मेमोरी एंटीजेंस दे आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सो अदर मार्कर्स फॉर मेमोरी ट्यूमर डिटेक्शन इज एम सी दैट इज़ द म्यूसिन लाइक कार्सिनोमा एसोसिएटेड एंटीजन एम एम सिक्स इसके बाद एम एस ए यानी मेमोरी सीरम एंटीजन

Uh, जो एक लास्ट एक और बचा है दैट इज द न्यूरॉन स्पेसिफिक एंडोलेज इसको हम एनएससी कहते हैं एंड दीज आर मार्कर्स यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन औरिजिन ट्यूमर ऑफ न्यूरो एंड्राइन ओरिजिन तो ये एक पूरी लिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूमर मार्कर्स एंड ट्यूमर टाइप्स एंड एसोसिएटेड एबनॉर्मिलिटीज़ जैसे हार्मोन्स में एसीटीएच है केटाकोलॉमीस है इंसुलिन ग्लूकेगॉन गेस्टोन सीरोटोनिन कैल्सिटोनिन। तो एसीटीएच का जो यूज़ होता है वो होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर कार्सिनोइड पेंक्रेटिक कार्सिनोमा मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। केटाकोलॉमस का यूज होता है इंसुलिनोमा इंसुलीन, देन ग्लूकेगॉन ग्लूकेगॉनोमा गेस्ट्रीन गेस्ट्रीनोमा सीरोटोनिन यानी इसका यूज़ होता है कार्सिनोइड्स के डिटेक्शन में कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एंड लंग कैंसर एंजाइम्स बहुत सारे एंजाइम्स हैं टोटल एल डी एच है एल डी एच वन एल डी एच टू थ्री फाइव टू थ्री फोर दैन फाइव टोटल एल डी एच इसका यूज़ होता है लिम्फोमा अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में लिफोमा का डिटेक्शन कहीं नहीं पड़ा लेकिन ये याद रखना कि एल डी एच टोटल एल डी एच से हम लिम्फोमा का डिटेक्शन करते हैं तो इसलिए ये जो है यहाँ yeah, इम्पोर्टेंट है देन ल्यूकेमिया है ना जर्म सेल ट्यूमर ब्रेस्ट एंड लंग्स कैंसर एल डी एच वन का यूज़ करते हैं जर्म सेल ट्यूमर ओवेरियन कार्सिनोमा ऑस्टियोसार्कोमा अदर एब्नॉमालिटीज़ लाइक एक्यूट माइक्राडियल इन्फेक्शन रीनल इन्फॉक्ट हिमोलिटिक डिसीज एल डी एच टू थ्री और फोर का यूज़ करते हैं हम ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा यहाँ पर भी यही आ रहा है लिम्फोमा इसके बाद एल डी एच फाइव हिपेटोमा ब्रेस्ट कैंसर प्रोस्टेटिक कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर ठीक है इसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेस में फास्ट लीवर आइसवाइनजैम्स जैसे इससे यूज़ करते हैं हम मेटास्टेटिक लीवर कैंसर बोन आइसोइनजैम्स से मेटास्टेटिक बोन डिसीज बेनाइन बोन डिसीज़ फिर रीगर रीगन आइसोइनजैम्स से हम लंग कैंसर ओवेरियन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर कॉलोनिक कैंसर यूट्राइन कैंसर दैन नगेव आइस एंज से मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ प्लोरल सरफेस एडिनो कॉल्सिन ऑफ पेंक्रियाज एंड बाइल डॉक्ट देन प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट पेप से हम डिटेक्शन uh, करते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर क्रिएटिन काइनस से डिटेक्शन करते हैं एडिनो एडिनो काल्सिन प्रोस्टेटिकल्सिन इसके बाद एक uh, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन होता है इसका हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ जर्म सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी तो ये है ऑलमोस्ट ऑल अबाउट ट्यूमर मार्कर्स सो आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द ट्यूमर मार्कर्स होप यू आर इन दिस टॉपिक थैंक्स